जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजेस। पैकेजेस हमें क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि अगर आपके पास फ्यू नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, लेट्स से 4-5 क्लासेस हैं, क्योंकि सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं है, फ्यू नंबर ऑफ क्लासेस है, तो आप उन क्लासेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं क्लास डायग्राम में और डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर में। बट इफ यू हैव मोर देन 7 to 8 क्लासेस, या उससे भी ज्यादा क्लासेस हैं आपके पास, तो आप उनको किस तरीके से करेंगे? आप उनके लिए, उनको ग्रुप टुगेदर करने के लिए, आपको इजीली मैनेज करने के लिए यू नीड अनदर कॉन्सेप्ट। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैकेज इज यूजफुल। ठीक है, मोस्ट सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी क्लासेस। आपके क्लास सिस्टम में बहुत सारी क्लासेस हैं, एंड दस यू नीड अ मैकेनिज्म टू ग्रुप देम टुगेदर। और आप क्या कर रहे हैं, उन सिस्टम को टुगेदर ग्रुप करने की कोशिश करें कि ये क्लासेस एक ग्रुप के अंदर आ रही है, ये क्लासेस एक और पैकेज के अंदर आ रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजेस। अ पैकेज इन द लॉजिकल व्यू ऑफ द मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पैकेजेस एंड और क्लासेस। यानी कि जो रिलेटेड पैकेजेस और रिलेटेड क्लासेस हैं, उनको आपने एक पैकेज बना दिया। जिस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट होता है फोल्डर का। जैसे अब मेरे पास है फॉल 2020 का, मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने सब फोल्डर्स बना दिए। दो मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आईडीज हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की आईडीज हैं, तो मैंने हर कोर्स का अलग अलग फोल्डर बना दिया। अब हर कोर्स की रिलेटेड चीजें हम, मैं जो है उस कोर्स के फोल्डर के अंदर जो है वो इनपुट कर रही हूँ। लेक्चर जो है ओआरट के लेक्चर्स ओआरट के फोल्डर के अंदर, ऊप के लेक्चर्स ऊप के फोल्डर के अंदर। तो इससे क्या होगा, मेरे काम करना आसान हो जाएगा। ये मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे दी। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल क्लासेस है, तो उन मल्टीपल क्लासेस को भी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी हम पैकेजेस में ब्रेक कर रहे हैं कि ये क्लास इस एक पैकेज के अंदर आ रही है, ये क्लासेस इन एक पैकेजेस के अंदर आ रही है। जिस तरह हम फोल्डर सब फोल्डर्स का मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं। बाय ग्रुपिंग क्लासेस इनटू पैकेजेस, हम क्लासेस को जब पैकेजेस में ग्रुप कर रहे हैं, वी कैन लुक एट द हायर लेवल व्यू ऑफ द मॉडल। मतलब हम फोल्डर्स, जैसे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाली में एग्जाम्पल दूं, तो सब फोल्डर्स को देखा मैंने। लेट से ओआरड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। एक सब फोल्डर मैंने ओआरट को ओपन किया। ओआरट को ओपन करने पर मैं उसके सब फोल्डर में लेक्चर्स, बुक्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स, उसको क्लिक करने पर उसके कंटेंट्स हैं। सो हमारे पास क्या है, हायर लेवल डिटेल्स पता चल रही है। फोल्डर को देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि इस पे किस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, दैट इज द पैकेज। तो यही काम, जैसे हम फोल्डर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम UML डायग्राम्स में वी आर यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजेस। क्लासेस डू नॉट कम्युनिकेट विद क्लासेस इन अदर पैकेज। एक पैकेज की क्लास दूसरे पैकेज की क्लास से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। UML नोटेशन फॉर अ पैकेज, पैकेज को आप किस तरीके से ये सिंबल यूज कर रहे होते हैं कि दैट इज अ पैकेज जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस स्टोर हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इन द ESU, जो हमने कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम केस स्टडी देखी थी, उसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस हमारे पास क्या होंगी। We will look at the add a course offering to teach scenario, which is one of the subflows of the select courses to teach use cases. The main capability provided by this scenario is the ability for the professor to select a course offering to teach for a given semester. के नए आने वाले semester में वो professor जो है वो कौन सा course select कर रहा है, so that it can taught that course, so that he can taught that course. ठीक है, कि वो select करे कि मुझे कौन सा course पढ़ाना है। अब इसमें एंटिटी क्लासेस कौन कौन सी होंगी मेरे पास। दिस सिनेरियो डील्स विद कोर्सेज, उसमें कोर्सेज भी होंगे क्योंकि कोर्स कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। देयर कोर्स ऑफरिंग्स, कौन कौन सा कोर्स किस टाइम पे किस ड्यूरेशन पे ऑफर हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब मैं कोई कोर्स सेलेक्ट करूंगी तो मैं उसका टाइम और डेज भी देखूंगी कि वो मेरे किसी और कोर्स के साथ क्लैश ना हो। एंड द प्रोफेसर असाइनमेंट, कि कौन सी फैकल्टी को कौन कौन से कोर्स असाइन हो चुके हैं, वो भी मेरे पास भी होगा ताकि मैं उस कोर्स के लिए ऑप्ट ना कर सकूं। सो वी कैन आइडेंटिफाई 3 एंटिटी क्लासेस। एंटिटी क्लासेस कौन सी बन गई हमारे पास, कोर्स की, कोर्स ऑफरिंग्स की एंड प्रोफेसर की। आप भी अपने प्रोजेक्ट की इसी तरीके से ब्रेकिंग करेंगे कि एंटिटी क्लासेस कौन सी होंगी, बाउंड्री। अब हम उसी केस स्टडी जो हमने पहले डिस्कस की थी, उसी के अकॉर्डिंगली बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं। सो वी हैव डिफाइन एंटिटी क्लासेस। यहाँ तक क्लियर है, वो जो हमने लास्ट टाइम में केस स्टडी देखी थी कोर्स रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, तो हमने इसका एक सिनेरियो देखा
कोर्स ऑफरिंग वाला, जिसमें फैकल्टी जो है या प्रोफेसर जो है वो लॉगिन कर रहे हैं और उसके बाद वो किसी भी कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं सो दैट ही कैन टॉट दैट कोर्स फॉर दिस सेमेस्टर. तो उस सिनेरियो के लिए हमने एंटिटी क्लासेस को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि कोर्सेज इटसेल्फ, कौन सा कोर्स है, कोर्स की ऑफरिंग क्या है और प्रोफेसर. क्लास आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ तो रही है क्लास? आवाज सबको आ रही है? आवाज आप चेक करो, आपके पास, आपके एंड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो हमने आइडेंटिटी क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली. अब हम आइडेंटिफाई करेंगे बाउंड्री क्लासेस. ठीक है, दिस यूज केस इंटरेक्ट्स ओनली विद द प्रोफेसर एक्टर. अभी जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया, ये इसको कौन हैंडल करेगा, इस पे सिर्फ प्रोफेसर ही कम्युनिकेट कर सकता है. सो द एक्शन स्पेसिफाइड इन दिस सिनेरियो इज ओनली वन कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द यूज केस, विच इज द यूज केस ऑल्सो स्टेट दैट द प्रोफेसर कैन मॉडिफाई अ सिलेक्शन, डिलीट अ सिलेक्शन, रिव्यू अ सिलेक्शन एंड प्रिंट अ सिलेक्शन. यानी कि वो जो मेन्यू है जो उसको व्यू होगा. बाउंड्री क्लासेस हमने क्या देखा, इंटरफेस थ्रू विच प्रोफेसर कैन कम्युनिकेट टू द सिस्टम. This means that something in the system must provide the ability for the professor to select a capability. In sub options में से वो professor कोई भी option select कर सकते हैं. A class containing all the options available to the professor as stated in the use case is created to satisfy this need. यानी कि यहाँ पे हम एक boundary class बनाने हैं और उसमें एक method बना दें menu का. This class is called Professor Course Options. इसको हम कह देते हैं Professor Course Options. Additionally, we can identify a class that deals with the addition of a new course offering for the professor. This class is called Add a Course Offering. ठीक है, एक और मेन्यू भी है कि उसने अगर कोई नई कोर्स ऑफरिंग एड करनी है, कोई नया कोर्स ऑफर करना चाह रहे हैं वो प्रोफेसर, तो वो भी एक नया जो है वो हमारे पास इंटरफेस होगा. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन, कि प्रोफेसर क्या क्या ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं, और एक इंटरफेस क्या होगा, एड अ कोर्स ऑफरिंग. ठीक है, पहले कोई कोर्स प्रोफेसर को ऑफर होगा तभी तो वो सिलेक्ट कर सकता है. ठीक है, जैसे मैं लेट से एक फैकल्टी हूँ. ठीक है, अब मैंने जो है वो लॉग इन किया सिस्टम पे, सो मेरे पास क्या चीजें आनी है, क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं. आई कैन मॉडिफाई अ सिलेक्शन, मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया उसको मॉडिफाई कर दूं, चेंज कर दूं, डिलीट कर दूं कि नहीं मुझे ये कोर्स अब नहीं, मैंने जो सिलेक्ट किया मैं इसको हटा रही हूँ. अपने सिलेक्टेड किए हुए कोर्स को मैं रिव्यू कर सकूं और प्रिंट करवा सकूं. ठीक है, अब ये तो तभी हो सकता है ना कि मुझे जब कोई कोर्सेज ऑफर होंगे, लेट से मुझे एकेडमिक्स ने कहा कि मैं इसके 5 कोर्सेज हैं, इन 5 कोर्सेज ये हमने आपने ऑफर, हमने आपको 5 कोर्सेज ऑफर किए हैं, अब आप इन 5 में से कोई 4 कोर्सेज सिलेक्ट कर लें. तो वो जो कोर्स ऑफरिंग वाली है वो क्या चीज होगी, जो मुझे उन्होंने कोर्स ऑफर किए हैं, अब उन कोर्सेज में से मैं सिलेक्ट करूंगी कि दीज आर द कोर्सेज जिसमें मैं ये चीजें कर सकती हूँ. तो बाउंड्री क्लासेस के लिए हमारे पास 2 इंटरफेस होंगे, एक प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस और एक एड अ कोर्स ऑफरिंग. कंट्रोल क्लासेस, कंट्रोल क्लास यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि हम प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर की थ्रू आउट मैनेजमेंट है, सो वी विल एड 1 कंट्रोल क्लास टू हैंडल द फ्लो ऑफ पेमेंट्स फॉर द यूज केस, विच इज प्रोफेसर कोर्स मैनेजर, जो कि ये डिसाइड करेगा कि कब कौन कौन सी एंटिटी क्लास कब कॉल होनी है और कब कौन सी एक्शन परफॉर्म होना है. ठीक है, और पैकेजेस हमारे पास क्या होंगे, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ग्रुप क्लासेस इनटू पैकेजेस. अब हमने क्लास डायग्राम देख ली, हमने बाउंड्री एंटिटी और कंट्रोल डायग्राम्स की आइडेंटिफिकेशन देख ली, अब हम उन क्लासेस को पैकेजेस में इंसर्ट करेंगे. क्लासेस हमारे पास कितनी है, 6 क्लासेस हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, एक कोर्स की, एक कोर्स ऑफरिंग की, एक प्रोफेसर की, एक प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की, एड अ कोर्स ऑफरिंग एंड अ प्रोफेसर कोर्स मैनेजर. स्टार्ट की 3 क्लास जो है ये हमारे पास कौन सी क्लासेस है, एंटिटी क्लासेस है. 4th एंड 5th क्लासेस हमारे पास कौन सी हैं, ये बाउंड्री क्लासेस हैं, और लास्ट वन इज अ कंट्रोल क्लास जो ओवरऑल प्रोफेसर की सारी कोर्स मैनेजमेंट का टास्क मैनेज कर रहा है. नाउ वी विल क्रिएट पैकेजेस, दे फॉल इनटू 3 लॉजिकल ग्रुप्स. पैकेजेस क्या कर रहे होते हैं, 3 लॉजिकल ग्रुप्स में ब्रेक होते हैं, इंटरफेसेस,
यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स एंड प्यूपल इन्फो, यानी कि अगर आपकी क्लासेस में प्यूपल की इंफॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट है, फैकल्टी है, स्टूडेंट है, कोर्सेज है, तो वो प्यूपल इन्फो में जाएगा. इंटरफेसेस हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन बतानी है कि कोई कम्युनिकेशन हो रही है, इंटरफेसेस है, वो इंटरफेस पे जाएंगे. एंड यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स इज दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्या चीजें होंगी जो हमारे पास कंट्रोल कर रही होंगी, मैनेजमेंट टूल्स. ठीक है, तो हमने तीन कैटेगरीज में ब्रेक कर देंगे, इंटरफेसेस, यूनिवर्सल आर्टिफैक्ट्स एंड प्यूपल इन्फो, यानी कि हमने फोल्डर्स बना दिए. इंटरफेस के अंदर हमारे पास कौन सी क्लासेस आएंगी, जो बाउंड्री क्लासेस थी, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शंस एंड एड अ कोर्स ऑफरिंग. देन नेक्स्ट प्यूपल इन्फो में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी क्लासेस, प्रोफेसर एंड कोर्स. और यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स में बाकी के जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वो यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स में आएंगी. ठीक है, यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स पैकेज मेन क्लास में कोर्स. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने देखा कि हम क्लास डायग्राम कैसे बना रहे हैं. मेन क्लास डायग्राम, कोर्स, प्रोफेसर, कोर्स मैनेजर, और अगर हम प्रोफेसर के रिस्पेक्ट से देखें तो प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन बाउंड्री क्लास बन गई. कोर्स इज एन एंटिटी क्लास, प्रोफेसर इज एन एंटिटी क्लास, एंड प्रोफेसर कोर्स मैनेजर इज अ कंट्रोल क्लास. इस तरीके से हम क्लास डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लेक्चर 6 व्हिच इज यूज केस रियलाइजेशन. सो नेक्स्ट क्लास से पहले काइंडली आज तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो जरा गो थ्रू करके आ जाइएगा. उससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा. 5 to 10 मिनट्स हम रखेंगे क्यूरी सेशन नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में इंशाल्लाह. आज तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं, और साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से ये सारी डायग्राम्स अपडेट करते चले जाएं. ठीक है, सेकंड चीज ये कि अटेंडेंस मैं आप लोगों की ले लेती हूँ. ब्रेक से पहले वाले दोनों सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उनका लिंक भी जो है वो LMS में मैंने शेयर कर दिया. बाकी के ये दो रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं अभी शेयर कर देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली एक क्विज भी होगा. जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कहीं से भी कोई भी क्विज आ सकता है. ठीक है, और साथ साथ कोशिश ये कीजिएगा कि जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जैसे एक दो सिनेरियोस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इसी तरह आप नेट से भी एग्जांपल लेंगे क्लास डायग्राम की, नेट से फर्दर कैसे ड्रॉ हो सकती है, और उससे रिलेटेड मैं एक असाइनमेंट या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगी सो देट आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, तो इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा बिल्कुल, और अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में जो है हम स्टार्ट में 10 to 15 मिनट का एक सेशन रखेंगे क्यूरी सेशन. ठीक है, सो लेकिन उसमें ये ना हो कि मैं एक एक से सवाल कर रही हूँ और वेट कर रही हूँ. पहले से आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा और क्वेश्चंस अपने पास चाहे तो पेपर पे लिस्ट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, वन बाय वन आप लोगों का नेम कॉल करूंगी, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे स्टूडेंट आई डी चैट पे सेंड कर दें. शाहजेब अजहर एबसेंट, फर्स्ट सेशन में भी नहीं थे. अब्दुल हादी, ओके, दोनों की लग गई है, शाहजेब की भी एंड हादी की भी. एहसन एजाज प्रेजेंट. रामेश अहमद, ओके. लाइनस डोमिनिक, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं. लाइनस, ओके. मोहम्मद यासीन, मलिक अदनान मोहम्मद, ओके. सैयद अब्दुल हसीब, ओके. जीशान अली, ताहिर हुसैन, शेख मुबशर अख्तर, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद एहतिशाम जिलानी, मोहम्मद एहतिशाम जिलानी, आशा, ओके. इरम नजर, ओके. तलहा खान, पलवशा रमजान, ओके. जरीन गुल, अब्दुल राफे, हुजैफा तारिक, मोहम्मद उसामा हसन,
मोहम्मद साद, मोहम्मद मुजम्मिल, फुरकान अहमद, मोहम्मद यासिर अमीन, साद फुरकान, मोहम्मद कासिम खान, ओके, मोहम्मद अहद, मोहम्मद उसामा अशरफ, मलिया खान, मोहम्मद बिलाल, मियां सुहेब अहमद, साहिल, नीहा आसिफ, ओके जी, एनीवन एल्स जिसका नेम कॉल नहीं हुआ? एक मिनट, वन बाय वन थोड़ा स्लो असगर, एक मिनट मुझे एंट्री करने दें, वन बाय वन थोड़ा एहतिशाम जिलानी, आपका नेम मैंने कॉल किया और बहुत देर तक, टू टू थ्री टाइम्स मैंने आपका नेम कॉल किया और वेट भी किया है काफी देर तक. अच्छा, फवाद महमूद 8199, 8199 प्रेजेंट हैं, उसके अलावा 10109 प्रेजेंट हैं. असगर मैं एंट्री कर रही हूँ आप लोगों के अपने पास, क्योंकि आप मेरे पास जो लिस्ट है उसमें आपके नेम्स नहीं है, तो मैं वन बाय वन एंट्री कर रही हूँ. फवाद महमूद की एंट्री हो गई है, असगर की एंट्री कर दी है मैंने, राय खान आपकी स्टूडेंट आईडी है राइट 10209, देन एहतिशाम जिलानी आपका नेम लिस्ट में था, मैंने कॉल भी किया लेकिन आपने अटेंडेंस नहीं अपनी मार्क करवाई, मलाइका 10217, देन अब्दुल वहाब शाहिद 9878, अब्दुल वहाब की एंट्री हो गई है, फवाद की हो गई है, निमरा जमील 10187, निमरा जमील की एंट्री हो गई है 10187, अरीश असलम का नेम नहीं है और फरान का नेम नहीं है. यार आपने मेरी एब्सेंट लगा दी. नाम बताओ, कौन बोल रहा है? मैं तो शाम, जब मैं अटेंडेंस कॉल कर रही थी तब आप कहाँ थे, सो रहे थे? मैं सो ही रहा था, आवाज नहीं आई थी. हाँ तो मतलब सो ही रहे थे ना, तब भी आवाज नहीं आई. नहीं नहीं, अगर मैम लगा दे मैम प्लीज. फरान की हो गई अटेंडेंस मार्क, ठीक है, शाम की भी लगा दिया. अब नेक्स्ट टाइम जो है ना अटेंटिव रहना, वरना नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगी. ओके ओके मैम. उसामा रहमान 9894, अब्दुल वहाब शाहिद आपकी भी एंट्री कर दी है मैंने, राय खान, एहतिशाम जमानी, मुबीन खालिद. आप लोगों की लेट रजिस्ट्रेशन है जो आप लोगों का नेम नहीं है. 9915 मुबीन खालिद, मुबीन खालिद, देन मुइज मजहर 10198. हाँ, जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं. अथर रसूल, अथर अपनी आईडी बताओ.
अच्छा रसूल 10134 जी 10134 जो प्रेजेंट है उसकी अटेंडेंस मैंने लगा दिए, जो नहीं है उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। सो जो जो मेरे पास जिनके नेम कॉल नहीं हुए थे उनमें फवाद महमूद, असगर, राइद खान, मलाइका, अब्दुल वहाब, निमरा जमील, अरीश असलम, गुफरान, उसामा रहमान, मुबीन खालिद, मुईज मजहर, अतहर रसूल, इन सब की अटेंडेंस मार्क हो गई है। ठीक है, एनी वन एल्स, कोई और तो नहीं है जिसका नेम कॉल नहीं हुआ? ठीक है, सही है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, क्लास क्लास में यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास पे काइंडली आज तक जितना डिस्कस किया उसको जरा गो थ्रू करके आ जाइएगा, और कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट जो है वो यूज केस रियलाइजेशन पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी रियलाइज यूज केसेस डिफाइंड इन एनालिसिस मॉडल, और क्विज भी होगा नेक्स्ट क्लास में। और साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के लिए ये सारी डायग्राम्स अपडेट करते रहें, और इन्हीं डायग्राम्स को देखकर ही आपका कोड इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जितनी ज्यादा ये सारी डायग्राम सेटिस्फाई होंगी उतना ही ज्यादा आपके प्रोजेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।